सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी बाईपीसी सीईसी एमईसी एमसेट एंड नीट इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005 अफोर्डेबल फीस स्पेशियस क्लासरूम्स वेल इक्विप्ड लैब्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीनिक सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मदीना मुनव्वरा में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। आजमीन व जायरीन ने गर्मी से राहत मिलने पर अदा किया शुक्र। पूरी दुनिया में बज रहा है तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के नाम का डंका। सदारती इंतखाबात में शानदार जीत पर अर्दवान ने कहा, आज कोई नहीं हारा, आज तुर्किया की हुई है जीत। तालिबान की ईरान को धमकी, कहा अगर अफगानिस्तान के शयूख दें मुजाहिदीन को इजाजत तो 24 घंटों में कर सकते हैं ईरान पर कब्जा। लगातार जल रहा है मणिपुर, महलुकीन की तादाद 70 से हुई ज्यादा। कांग्रेस ने फिर कहा, जब मणिपुर जल रहा था तो बीजेपी लीडर्स इंतखाबी मुहिम में थे मसरूफ। उज्जैन के महाकाल मंदिर के अहाते में लगाई गई देवों की मूर्तियां तेज हवा में गिरकर टूट गईं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं मूर्ति टूटने के वीडियोस और फोटोस। और इंडियन प्रीमियर लीग 2023 16वें एडिशन की फतह बनी चेन्नई सुपर किंग्स। दिलचस्प और सनसनीखेज मैच की आखिरी गेंद पर मिला मैच का नतीजा, खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बारिश। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक ऐसे वक्त जब सऊदी अरब में हज 2023 को लेकर तमाम इंतजाम पुख्ता बनाए जा रहे हैं, आजमीन की आमद का सिलसिला जारी है, तब मुकद्दस शहर मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में बारान रहमत के नुज़ूल ने मौसम खुशगवार कर दिया है। मदीना मुनव्वरा में गरज व चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से खुशगवार मौसम होने के बाद आजमीन और उमरा जायरीन को गर्मी से काफी राहत मिली है। मदीना मुनव्वरा और अतराफ में बादल खूब जमकर बरसे, जिससे कई इलाकों में सड़कें झील में तब्दील हो गई। आजमीन हज ने तेज हवाओं के साथ बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि दिगर जायरीन बारिश के दौरान इबादत में मसरूफ दिखाई दिए। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में 28 मई को भी मूसलाधार बारिश हुई थी। पूरी आलमी मीडिया में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की जीत की कवरेज की जा रही है। हालिया सदारती इंतखाबात में शानदार जीत के बाद सदर रजब तैयब अर्दवान ने सदारती कॉम्प्लेक्स में लोगों से पुरजोश खिताब किया। सदर अर्दवान ने अपने तबसरे का आगाज ये कहकर किया कि हम तुर्किया से बहुत प्यार करते हैं। सदर अर्दवान ने यह भी कहा कि सदारती इंतखाबात का दूसरा दौर बगैर किसी खास मसाइल के मुकम्मल हुआ। इलेक्शन के गैर सरकारी नतायज के मुताबिक हमारी कौम ने हमें मजीद 5 साल के लिए सदारत सौंपी है,
मैं अपनी कौम के हर फर्द का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने हमें एक बार फिर मुल्क पर हुकूमत करने की जिम्मेदारी के काबिल समझा। सदर एर्दोगान ने कहा कि जैसा कि आपको याद है, हमने हमेशा कहा कि हमारे मुल्क में कोई भी नहीं हारेगा जब हम जीतेंगे। मुझे वही वादा दोहराने दो। आज कोई नहीं हारा। हमारे 85 मिलियन शहरियों में से हर एक की आज जीत हुई है। रजब तैयब एर्दोगान की शानदार जीत पर तारीखी मस्जिद आया सोफिया में हज़ारों अफराद ने नमाज के बाद एर्दोगान के हक में पुरजोश नारे भी लगाए। तालिबान ने ईरान को सख्त अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान के शयूख मुजाहिदीन को इजाज़त दें तो 24 घंटों के अंदर अंदर ईरान पर कब्जा किया जा सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक तालिबान कमांडर की धमकी आमेज बयान सरहदी झड़पों के पस मंज़र में सामने आया है, जिसके नतीजे में 3 ईरानी सरहदी मुहाफिज और 1 अफगान शहरी चल बसा था, तो वहीं मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। ख्याल रहे कि ईरानी सरहदी मुहाफिजों और तालिबान के दरमियान ज़ाबुल के सरहदी इलाके में सासोली के मुकाम पर ये झड़पें हुई हैं, जिसमें भारी हथियारों के साथ गोला बारूद का तबादला किया गया। इतलात के मुताबिक ये झड़पें दरियाए हलमंद के पानी के इंतज़ाम पर इख्तलाफ की वजह से हुई थी। इंतहा पसंद इसराइलियों ने मस्जिद अल-अक्सा के अहाते में मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने ईसाइयों की एक मजहबी तकरीब पर हमला किया और उन्हें मजहबी रस्मात अदा करने से रोकने की कोशिश की। प्रेस ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा बैतुलमक़दस में मस्जिद अल-अक्सा के अहाते में दीवार बुराख के करीब इंतहा पसंद यहूदियों और ईसाई मजहब के पैरोकारों के दरमियान झड़प हुई, जहां गाज़िब सिहूनियों ने कई ईसाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में इंतहा पसंद सिहूनियों ने दीवार बुराख के जनूब में डेविडसन सेंटर के कदीमी इलाके में वाक़ पार्क में ईसाइयों की मजहबी तकरीब को निशाना बनाया और उन ईसाइयों को वहां से चले जाने को कहा, जिसके बाद झड़प हुई। दूसरी जानिब मकबूजा मगरब किनारे में इसराइली फोर्सेज ने कार्रवाइयां करते हुए 8 फलस्तीनियों को जख्मी और 16 को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक मगरब किनारे के शहर जुनैन के तिब्बी ज़राए ने बताया कि शहर जुनैन और इससे मुत्तसिल जुनैन पनाहगज़ीन कैंप में इसराइली फ़ौज की दरअंदाजी के दौरान फायरिंग से 8 फलस्तीनी ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने शुमाली मगरबी किनारे के शहर जुनैन में एक फ़ौजी ऑपरेशन किया। मुकामी ज़राए ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने शहर के मुतअद्दिद मकानात पर छापों के दौरान 5 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगे लारोफ ने फिर एक मरतबा यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में तेज़ी लाने की जानिब से मगरबी ममालिक को वार्निंग दी है। सरगे लारोफ ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा है कि मगरबी ममालिक बिलखसूस अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई दोगुना करके आग से खेल रहे हैं, जिससे बाज रहने की ज़रूरत है। उन्होंने मगरब की जानिब से यूक्रेन को F-16 जेट फाइटर से लैस करने के इशारों पर सख्त तनकीद करते हुए इसे नाकाबिल कबूल और इश्तियाल अंगेज हरकत करार दिया।
उधर यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर रूसी फौज ने फिजाई हमला किया है, तो वहीं यूक्रेन की एयर डिफेंस ताकतों ने 40 से ज्यादा टारगेट्स को फजा में ही तबाह कर दिया। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी करता एक बयान में कहा गया है कि रूसी फौज ने दारुल हुकूमत कीव पर फिजाई हमला किया। बयान में कहा गया कि रूसी अफवाद ने सुबह सवेरे कीव की जानिब मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, तो सिर्फ इसी महीने मई में दारुल हुकूमत पर 15 फिजाई हमले किए गए हैं। कीव के मेयर विताली क्लेचको ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐलान किया है कि हवा में तबाह किए गए मिसाइल के कुछ टुकड़े मुख्तलिफ महलों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ गिरे, जिससे माली नुकसान हुआ है। सूडान में सैकड़ों अफराद के कत्लेआम के बाद इज़्तिराब आमेज खामोशी छाई हुई है। इस दरमियान सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी में 5 दिन की तौसी हो गई। इस दरमियान पीर को सऊदी अरब और अमेरिका ने सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी के माहदे में 5 दिन की तौसी के माहदे का खैर मकदम किया। अमरीकी महकमे खारजा के अफ्रीकी अमूर के दफ्तर ने कहा है कि सूडान में जंगबंदी में तौसी से ज़्यादा इंसानी इमदाद और बुनियादी खदमात की बहाली के लिए वक्त मिलेगा। सूडानी दारुल हुकूमत खरतूम में तशद्दुद में कमी देखी गई है। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। मणिपुर में दो कम्युनिटीज़ के दरमियान जारी तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोकी और मैतई आमने सामने हैं और तशद्दुद में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तशद्दुद मुतासरा इलाकों में भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इतवार को भी वाकई सूरत हाल ठीक नहीं रही, बागियों और जवानों के दरमियान शदीद कशीदगी नज़र आई। काबिले जिक्र है कि मणिपुर में तशद्दुद की वजह से अब तक 70 अफराद के मारे जाने की खबर सामने आई है और महलुकीन में 5 पुलिस अहलकार भी शामिल हैं। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर के संगीन सूरत हाल को लेकर आला अहदेदारान के साथ बातचीत की, तो वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर इशू को लेकर सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जब मणिपुर जल रहा था तब बीजेपी के तमाम लीडर्स कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ थे। 2001 को ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था, ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। हाईकोर्ट जला, विधानसभा जला, इम्फाल जल रहा था, मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 22 साल बाद वही मणिपुर जल रहा है और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति, बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति मणिपुर को जलाया था 2001 में और अभी जला रहा है 2023 में। जब मणिपुर जल रहा था प्रधानमंत्री और गृहमंत्री व्यस्त थे कर्नाटक के चुनाव में। 3 मई से मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तनाव है, हिंसा है, अशांति है।
पर इनको कोई परवाह नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस के लिए सालों से सरदर्द बने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते अब बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी की मैराथन मीटिंग के बाद दावा किया कि दोनों कायदीन आइंदा असेंबली इलेक्शन मुत्तहिद होकर लड़ने पर मुत्तफिक हैं। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि गहलोत और पायलट पार्टी की तजवीज पर मुत्तफिक हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि आखिर इत्तेफाक किस बात पर हुआ। बहरहाल राजस्थान इलेक्शन से पहले गहलोत और पायलट के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कांग्रेस के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। मरकजी वजीर सीतारमन ने पीर 29 मई को मुंबई में एक प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर जमकर तनकीद की। निर्मला सीतारमन ने कहा कि उन्हें यानी राहुल गांधी को चीन के मुद्दे पर हिंदुस्तानी हुकूमत पर तंज करने में शर्म आनी चाहिए। मरकजी वजीर मालियात ने कहा कि राहुल गांधी को चीनी सफीर की जानिब से सलाह दी जाती है। हिंदुस्तानी सरजमीन पर चीनी कब्जे के मुबैना दावे को राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर और मीडिया के सामने उठाया है। तमाम मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि राहुल गांधी जब भी चीन के मौजू पर कुछ बोलते हैं तो राहुल गांधी ना ही जयशंकर की बात सुनते हैं और ना ही इस वक्त ऐवान में मौजूद रहते हैं। खातून रेसलर्स की पुलिस की जानिब से वहशियाना तरीके से की गई गिरफ्तारी की कांग्रेस खातून तर्जमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने शदीद मजम्मत की। साथ ही उन्होंने कहा कि इन खातून रेसलर्स के साथ पीएम मोदी तस्वीर खिंचवाते हैं लेकिन अब इस मामले पर खामोश बैठे हैं। व्हाट द प्रधानमंत्री सेड एट द रैम्पेंट्स ऑफ द रेड फोर्ट, हमारे प्रतिज्ञा है कि महिला को ना अपमान करने के लिए बी इट इज आवर प्लेज to protect our women. This is what the Prime Minister of India said last year from the rampants of the Red Fort. I am asking Narendra Modi ji, aap maun kyon hain? Ek mahine se upar ho gaya hai. Where are you, Modi ji? Why are you quiet? When they bring medals, when they bring accolades, when they come here smiling, you join them and take this photograph smiling with them like this. Now, where are you, Narendra Modi? They are crying. The daughters of India are crying to you. They are asking you, we want justice. Arrest Brijbhushan Sarin because if he is out, he will tamper with the evidence. He can threaten the witness. You know how strong he is. He's a member of parliament from UP, from your party. अमृतसर से जम्मू कश्मीर आ रही एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 10 लोगों की मौत हुई है। जम्मू जिला कलेक्टर ऑफिस ने कहा कि हादसे में एक दर्जन मुसाफिर जख्मी हुए हैं जबकि उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और वहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये बस कटरा के रियासी जिले में हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि बस हिंदू अकीदतमंदों को वैष्णो देवी मंदिर लेकर जा रही थी। कटरा त्रिकोट पहाड़ियों के ऊपर वाकई मशहूर मुकद्दस मकाम के लिए बेस कैंप है। यहाँ से जो नीचे गिरी है बस तो वो भी लगता है कि स्पीड भी ज्यादा हो सकती है कहीं, मगर ये चीजें तो अभी इन मटेरियल और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि काफी लोगों की जान इसमें गई है और बड़ा खतरनाक फैटल एक्सीडेंट रहा जिसमें अच्छी बात है कि लोग ज्यादा दूर नहीं थे, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचे हैं, हॉस्पिटल में केयर बहुत अच्छी मिली है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो इस वक्त हैं वो एकदम अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। दो तीन जो क्रिटिकल लोग हैं उनको भी बड़ा अच्छा ख्याल किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हॉस्पिटल तक ठीक पहुंचे हैं वो सही सलामत जहां से डिस्चार्ज होंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की जान गई है हम लोग उन परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी पेश करते हैं और हम लोग अपनी तरफ से जो भी जरूरत है मदद करने की बाकी चीजें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर है, पुलिस के सब लोग यहां पर हैं, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन इसको अच्छे से देख रही है, हम लोग बेस्ट पॉसिबल केयर इनको देने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल डेथ टोल कितना है आप तक, क्या रेस्क्यू मिशन अब खत्म हो चुका है? मुकेश कितना डेथ टोल टोटल अभी तक 10 हो गया ना, वहां का मिलाकर के 10 हो गए हैं
और 10 की डेथ टोटल होगी अभी तक और 2 से 3 लोग क्रिटिकल हैं। रेस्क्यू वाला पार्ट बैलन आज मुकम्मल है, सिर्फ बस के बारे में कह रहे थे मौके पर जो हमारे पुलिस अफसर थे कि उसको एक बार उठा के देखने का, बट ऐसा कोई लगता नहीं कि बस के नीचे को हो। शुरू में शंका था कि बस यहां रेस्ट कर रही है, उसके नीचे भी कोई ना कोई हो सकता है, तो दैट पार्ट वाज देयर, बट आई थिंक रेस्क्यू। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि तेज हवाओं के दरमियान एक मंदिर में रखी मूर्तियां धड़ाम से नीचे गिर रही हैं, वहीं दिगर कई मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल ये वीडियो 28 मई 2023 का है। इसमें दिखाया गया कि मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है और इसी मंदिर के अहाते में ये मूर्तियां नस्ब की गई थी। एक साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। गुज़िश्ता 28 मई यानी इतवार को ऐसा खतरनाक हवाई तूफान आया जिसमें ये मूर्तियां बुरी तरह से तबाह हो गई। सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को लेकर मुख्तलिफ किस्म के दावे किए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने इस मामले पर मौजूदा बीजेपी हुकूमत को घेरा है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के अहाते में जहां मूर्तियां रखी गई थी वहां पर काफ़ी लापरवाही बरती गई, जबकि मूर्तियों की तैयारी में भी इंतहाई बेकायदगी बरती गई है। कमलनाथ ने आगे लिखा कि जिस तरह से आंधी चलने से देवों की मूर्तियां ज़मीन पर गिर गईं, ये मंजर किसी भी मजहबी शख्स के लिए इंतहाई तकलीफदेह है। मैं वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान से मुतालबा करता हूँ कि महाकाल लोक में जो मूर्तियाँ गिरी हैं वहाँ नई मूर्तियाँ फौरी लगाई जाएं और घटिया तामीरात करने वालों को जांच करके सजा दिलाई जाए। के नाम से ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार थोड़ी होने देगी कांग्रेस पार्टी। ये देखिए क्रेंग लगी हुई है, मूर्ति उठाई जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिनको ठेका दिया गया इन सब कामों का, ये सब मिले हुए हैं, ये सब दोषी हैं इसमें। और मैं कह रहा हूँ कि बाबा महाकाल इनको बख्शेगा, मैं ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। आप देखे, आपने देखा होगा इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। प्रतिमाएं FRP की है, ये सबको मालूम है, और ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा इसको हम ठीक करेंगे। और धीरे धीरे आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां बनने में काफ़ी समय लगता है। दिल्ली के वायरल CCTV फुटेज में एक दरिंदा सिफत नौजवान की जानिब से मासूम नाबालिग लड़की के वहशियाना कत्ल पर आम आदमी पार्टी लीडर दिलीप के पांडे ने LG के काम पर सवाल उठाया। वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और बाकी वेब पोर्टल्स पे, जिसमें बहुत ही दिल को दहलाने वाली और अंदर से डराने वाली एक घटना हमारे सामने आई है। यह घटना दिल्ली के अंदर शाहबाद डेयरी इलाके की घटना है। इस वीडियो में एक लड़का कई बार 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 लगातार चाकू से, एक धारदार हथियार से लड़की को मारता हुआ दिख रहा है। बताया जाता है कि वह लड़की नाबालिग है, और इतना ही नहीं, अपराध की जघन्यता देखिए कि धारदार हथियार से हमला करने के बाद भी बड़का पत्थर से उस लड़की को चलता है। और यह सारी घटना, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, दिल्ली के अंदर जो माताएं बहनें उनको अंदर से डराने वाली यह घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। सबने देखा, दिल्ली ने देखा, देश ने देखा। और इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी जिस LG साहब पर है उनको भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता। और अब आखिर में बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की।
आईपीएल का 16वां एडिशन चेन्नई सुपर किंग्स के रिकॉर्ड 5वीं कामयाबी के साथ खत्म हो गया। 2 महीनों से जारी इस इवेंट के फाइनल में एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने पिछले साल की चैंपियन गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से शिकस्त दी। हार्दिक पांड्या की क्यादत में गुजरात टाइटंस इस फाइनल में बतौर दिफाई चैंपियन बन गई थी और उनकी टीम ने स्कोर भी बड़ा किया था, लेकिन बारिश की वजह से चेन्नई को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 15 ओवर्स में 171 रन का हदफ मिला, जिसे उन्होंने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। इस मैच की खास बात यह थी कि यह इतवार को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में खेला जाना था। बारिश की वजह से इसका आगाज इजाफी दिन पीर की शाम में हुआ, जबकि इसका इख्तिताम पीर और मंगल की दरमियानी रात 1 बजे के बाद उस वक्त हुआ जब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने विनिंग शॉट मारा। इस कामयाबी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस की 5 मरतबा इंडियन प्रीमियर लीग जीतने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। यह एमएस धोनी के करियर का 11वां आईपीएल फाइनल था, जिसमें कामयाबी के बाद वो 5 टाइटल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मदीना मुनव्वरा में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। आजमीन व जायरीन ने गर्मी से राहत मिलने पर अदा किया शुक्र। पूरी दुनिया में बज रहा है तुर्क सदर रजब तैयब अरदवान के नाम का डंका। सदारती इंतखाबात में शानदार जीत पर अरदवान ने कहा, आज कोई नहीं हारा, आज तुर्किया की हुई है जीत। तालिबान की ईरान को धमकी, कहा अगर अफगानिस्तान के शयूख दें मुजाहिदीन को इजाजत तो 24 घंटों में कर सकते हैं ईरान पर कब्जा। लगातार जल रहा है मणिपुर, महलुकीन की तादाद 70 से हुई ज्यादा। कांग्रेस ने फिर कहा, जब मणिपुर जल रहा था तो बीजेपी लीडर्स इंतखाबी मुहिम में थे मसरूफ। उज्जैन के महाकाल मंदिर के अहाते में लगाई गई देवों की मूर्तियां तेज हवा में गिरकर टूट गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं मूर्ति टूटने के वीडियोस और फोटोस। और इंडियन प्रीमियर लीग 2023 16वें एडिशन के फातह बनी चेन्नई सुपर किंग्स। दिलचस्प और सनसनीखेज मैच के आखिरी गेंद पर मिला मैच का नतीजा, खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बारिश। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है, हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुँचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।